डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल एनालिसिस करेंगे। वीकली एक्सपायरी है कल निफ्टी, बैंक निफ्टी की 8 जून 2023 की, और शीर्षक मैंने दिया है आरबीआई पॉलिसी CRR क्वेश्चन मार्क दिया है। तो शायद ऐसा लग रहा है कि CRR समझ जाइए आप, तो वो यदि होता है CRR तो मार्केट चली जाएगी डाउन साइड। लेकिन डाटा बहुत बुलिश बनाया हुआ है इन्होंने, क्योंकि क्लाइंट का मध्य चल रहा है, इसलिए डाटा बुलिश बनाया गया कि जीरो करने के लिए। और CRR कट आएगा तो समझ लीजिए कि बाज़ार चला जाएगा नीचे, 43,500 तक बिक जाएगा कल, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मेरे पर्सनल व्यू है। और डाटा वेरी बुलिश है। तो लेवल मैंने सारे दिए हुए हैं, वेट करके समय, और आपको जो भी लेना हो, पुट लेना हो जिस भाव में, उसको 9:30 बजे डलवा दीजिएगा नीचे का नीचे भाव में। क्यों? RBI का जब पॉलिसी आएगा तब ऊपर का एक छलांग मारेगा और हो सके एक नीचे का भी छलांग मारे। तो ऊपर का छलांग मारेगा तो आपका पुट आ जाएगा, लगाया हुआ होगा तो आएगा, नहीं तर अब भाव आ जाएगा आपका स्क्रीन में और आप जहां मारने जाओगे तो समझ लीजिए 6 रुपया वाला फिर 15 रुपया हो गया होगा। तो ये 9:30 बजे फिट करके रख दिए, ओने पौने भाव में लगा दीजिए। आपको यदि पुट में खेलना है तो ओने पौने भाव में लगा के रख दीजिए, और ओने पौने भाव में आ जाए तो 3:20 को सौदा काटेगा, या तो जीरो हो और या जैकपॉट का ट्रिपल जैकपॉट लग सकता है कल। तो ये आपको मैं बता दिया। चलिए अपना फटाफट स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू बेनिफिट थ्रू लर्निंग फ्रॉम आवर कंटेंट स्टॉक मार्केट कमोडिटी फॉरेक्स एंड ऑप्शन लेवल, प्लीज प्रेस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल HM स्टॉक्स बियर्स। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड लर्निंग पर्पस ओनली। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप की है, वेडनेसडे को आज FII ने 2958 करोड़ का बाई किया, 2152 करोड़ का सेल किए। नेट बेसिस पे 806 करोड़ का निफ्टी में बाई किया, LSE 0.98। FNO स्टॉक्स में अच्छा बाई किया 1893 करोड़ का, और कैश में भी 1383 करोड़ का बाई किया, और DII ने भी 392 करोड़ का बाई किया। ये डाटा सीट है 7 जून की, और 8 जून को कैसा रहेगा अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 6023 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे अब लॉन्ग है 5528 कॉन्ट्रैक्ट। DII ने 626 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे लॉन्ग है 4300 कॉन्ट्रैक्ट। FII ने बोथ किया 8579 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो 1503 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में है। प्रो ने 1930 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे वो 8325 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में चल रहे हैं। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 36712 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे 3,70,399 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के चल रहे हैं। तो ये इसको ये मंदी खेल रहे हैं, तो ये जीरो होना है। जो भी कॉल बेचा हुआ है इसको जीरो कर देंगे लोग। और FII ने आज बाई किए, फिर कॉल में लॉन्ग किए 38,000 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट बेसिस पे वो 3,03,925 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के हो गए। प्रो ने 1585 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो उनके लॉन्ग कम है 66,073 कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने 2,59,463 कॉन्ट्रैक्ट बोथ किए, तो नेट बेसिस पर वो शॉर्ट है 57,554, यानी कि लॉन्ग से शॉर्ट से निकल गए वो लोग, 57,000 ही कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। तो तेजी अभी उनके थोड़ा सा है कॉन्ट्रैक्ट तेजी के। FII ने 51,282 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे उनके भी अब घट के 2,36,914 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के चल रहे। प्रो ने 2,08,181 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड किए, तो नेट बेसिस पे 2,67,979 कॉन्ट्रैक्ट उनके शॉर्ट के चल रहे, यानी तेजी खेले हैं। कॉल में भी बाई है प्रो, और पुट में भी सोल्ड किए, यानी तेजी खेले दोनों साइड, और इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट में चल रहा है। और FII कॉल में बाई है और पुट में भी बाई है, हेज करके चल रहा है। तो ओवरऑल समरी, कल RBI का पॉलिसी आएगा तब एक बार ऊपर की ओर ले जाना चाहिए, और मुझे लग रहा है CRR कट आना चाहिए।
तो बाजार चला जाएगा। और इनकेस कुछ भी नहीं आया तो कमेंट्री उनकी आएगी, उसके बाद 11 बजे बाद मार्केट में मूवमेंट आएगा और तब तक ये लोग अपना ऊपर नीचे जो भी करना होगा कर लेंगे। और लास्ट में मुझे लग रहा है 2-2.5 बजे जीरो कर दे क्लाइंट लोग का, जो 3-3.5-4 लाख कॉन्ट्रैक्ट कोल के मत्थे है उसका जीरो वैल्यू पे लाके फिर वहाँ से 100-200-250 पॉइंट निफ्टी गिरा सकता, 100-200 उनका सौदा कट जाएगा तब, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है कल, लेकिन बहुत पेशेंस से सौदा कीजिएगा और समझ के कीजिएगा, क्यों बाजार ओवरबोट में है, PCR भी ओवरबोट में आ चुका है, तो कल एक करेक्शन तो कन्फर्म है, लेकिन वो कब आएगा, 2 बजे आएगा, 2:30 बजे आएगा, हो सके 3 बजे भी आवे, लेकिन करेक्शन आएगा। पेशेंस करके और अपने भाव पे लगा के सुबह 9:30 बजे रख दीजिएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें, और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में जॉइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 19,540 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 19,485-435 19,400 तक आ सकता है, रेजिस्ट्रेशन ऊपर में 19,573 19,610। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए निफ्टी स्पोर्ट लेवल बिलो 18,700 के नीचे सेल जोन, सपोर्ट 18,660 18,597 18,560, रेजिस्टेंस ऊपर में 18,765 और 18,800। 800 का रेंज में कहीं भी पुट लीजिएगा, 765 से 800 का रेंज में तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। और नीचे के टारगेट दिए 660 टूटेगा, 700 टूटेगा तब 660 आएगा, और 660 टूटेगा तो फिर 600 और 560। मूविंग एवरेज मैंने सारे दिए ताकि आपको लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। कॉन्ट्रैक्ट 39,28,150, ओपन इंटरेस्ट 95,09,950, चेंज ओपन इंटरेस्ट 7,30,850 एड हुए हैं, और क्लोजिंग ऊपर दिया है यानी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो बाजार सुबह पहले ऊपर की ओर चलना चाहिए। विक्स 11.44, इंडियन रुपीस 82.61, मनी कंट्रोल PCR 1.37 आया, PCR बढ़ के आया तो सुबह जो ऊपर जाएगा उसके बाद वहाँ से बाजार कूल होना चाहिए। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए निफ्टी 18,700 का कॉल वीकली वाला, जहां बड़े हुए 91 के पास बेचे 125 का स्टॉप लॉस, जो कॉल बेचते हैं उनके लिए है, सपोर्ट 47, 39 और 19। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2022 लिखा है, 2023 होना चाहिए, निफ्टी 18,750 का पुट वीकली वाला, जहां घटे हुआ 10.65 रुपया के पास लीजिए, सपोर्ट 6.65, 3.65। अब इसको यदि अगर आपको लेना हो तो 10.65 के पास 2 लोट लीजिए, 6.65 के पास 2 लोट लीजिए, 3.65 के पास 4 लोट और लीजिए, तो 4×2=8 लोट हो गया, ऑन एवरेज आपका 6 रुपये का आ जाएगा। और फिर जब ऊपर बढ़े तो ऊपर 53, 73 और 99 तक जा सकता है, और ये कल का जीरो हीरो ये भी रहेगा 750। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए निफ्टी 18,800 का पुट वीकली वाला 34.5 के पास ले सकते हो, सपोर्ट 26, 17.5, 13। 34.5 के पास लीजिए 32 का स्टॉप लॉस रखिए 2-2.5 रुपये का, और वो कट जाए तो 26 के पास राह देखिए, वहाँ पर भी 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए 23 रुपये का, वो कट जाए तो 17.5 के पास राह देखिए, तो वैसे करके आपको लेना होगा। और रेजिस्ट्रेशन ऊपर में 86, 115, 140 तक कल जा सकता है। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट बिलो 44,275 के ऊपर 275 के नीचे सेल जोन रहेगा, यानी क्लोजिंग के नीचे होगा तो सेल जोन रहेगा, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई जोन।
ऊपर में रजिस्ट्रेशन 44,365 44,450, नीचे में सपोर्ट 44,160 टूटेगा तो ये 44,050 आएगा, और 44,050 टूटा तो 43,800 तक आ सकता है। मेरा फिगर 43,960 आ रहा, लेकिन उसके बाद लास्ट एंड में हो सकता है 43,800 तक भी मार्केट आ सकता है, ये नोट रखिएगा, 43,800 तक आ सकता है। 44 टूटते ही ख़त्म हो जाएगा भैया, सॉरी बैंक निफ्टी ख़राब हो जाएगा। 44 नहीं टूटना चाहिए, 44 के पास हो सकता है सपोर्ट ले, वहाँ से घूम भी सकता है, तो ये नोट रखिएगा आप लोग। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 45,000 का कॉल वीकली वाला अबव 41 के ऊपर बाई कीजिए, क्लोजिंग यही दिया है, क्लोजिंग के ऊपर हो तो बाई, सपोर्ट 20 का। अब ये हेजिंग पर्पस मैंने लिखा है, हेजिंग ओनली। जिन्होंने 44,000 का पुट लिया है आज, 63 में भी दिलवाया, 40 में भी मैंने दिलवाया है, तो वो चाहे तो वो हेजिंग पर्पस के लिए ले सकते हैं 41 रुपये में, 20 रुपये 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 63, 85 और 107 तक जा सकता है। तो कोई RBI का पॉलिसी आवे उसके पहले हो सकता है कि ये ऊपर की ओर जर्नी ले ले, तो 40-50 पॉइंट मिल जाए तो वो आपका वहाँ पे पुट में कवर हो जाएगा पूरा। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,300 का कॉल वीकली वाला, जहाँ बड़े वहाँ 190 के पास बेच सकते हो, 250 रुपये का स्टॉप लॉस है। अब जहाँ बड़े हुआ वो जरूरी है कि बेचना है, थोड़ा वेट कीजिएगा, RBI का पॉलिसी आ जावे और 190 से घूम जावे या उसके आसपास से घूमे तब बेच सकते हो 250 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के। सपोर्ट 86 और 77, और 77 तोड़ दिया तो जीरो हो जाएगा ये। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,300 का पुट है वीकली वाला, जहाँ घटे हुआ 75 के पास बाई कर सकते हो, या तो मैंने सपोर्ट सारे दिए हुए हैं 54, 34, 20। इन केस RBI का पॉलिसी आवे और बाजार ऊपर की ओर ले जावे तो आपको लेना हो तो देख के लिए, 34 के पास मिले या 20 के पास मिले तो एकदम बाई करना चाहिए आँख बंद करके। और ऊपर में रेशन 190, 240, 291 और 342 तक मिनिमम जा सकता है, और 44,000 तोड़ दिया तो ये आपका 550 से 600 बिक सकता है, ये नोट रखिएगा। इंट्राडे थर्सडे 8 जून 2023 के लिए बैंक निफ्टी 44,000 का पुट डीप है, 20 मैंने लिखा हुआ है, क्लोजिंग 40 का दिया हुआ है और सपोर्ट मैंने 14, 8, 6 और 3। अब आपको लेना हो इनके सुबह आपको, तो आप 14 में एक लोट लगा दीजिए, 8 में 2 लोट लगा दीजिए, 6 रुपया में 4 लोट लगा दीजिए और 3 रुपया में टोटल 8 लोट और लगा दीजिए, मैंने 10-15 लोट का सौदा हो गया, ऑन एवरेज आपका 6 रुपया से 7 रुपया आ जाएगा, तो 6 पकड़िए तो आपका 15 लोट हो गया, 400 शेयर हो जाएगा, 2400 रुपये का आपका रहेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस आपका 79, 102, 142, 182 और 222 तक जा सकता है। कल का जीरो हीरो मैंने यही बनाया है, और ये आपको मैंने पहले भी बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, जो भी लेना हो जिस भाव में आपको लेना हो, आपको 3 रुपये में लेना हो 3 रुपये में ही लगा दो, 500 लेना है, 1,000 लेना है, जो भी लगाना है, लेकिन 9:30 बजे लगा दीजिएगा। RBI का पॉलिसी के टाइम में आपको भाव दिख के वापस ऊपर चला जाएगा, आप देखते रह जाओगे आपका माल नहीं आएगा, तो 9:30 बजे लगा दीजिएगा, आपको जो भाव में लेना हो, चाहे 1 रुपया में लेना हो तो 1 रुपया में भी लगा देना, ये आपको मैं बता देता हूँ। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।